सभी को प्रणाम मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि कमर दर्द के लिए कौन कौन से आसन किए जाते हैं और उन आसनों से कमर दर्द को किस माध्यम से ठीक किया जाता है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कमर दर्द के लिए तीन आसनों का अभ्यास किया जाता है जो कि सबसे पहला आसन है भुजंगासन दूसरे आसन का नाम है शल्वासन और तीसरे आसन का नाम है सुप्त उदराकर्षण तो मैं आपको तीनों आसनों का अभ्यास करके बताऊँगा तो सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि भुजंगासन को किस प्रकार किया जाता है तो सबसे पहले भुजंगासन करने के लिए आपको इस प्रकार ज़मीन पे लेट जाना है पेट के बल और अपने दोनों हाथों को इस तरह अपने कंधों के पास में रखना है और दोनों पैरों के पंजों को इस तरह ज़मीन पर टिका के रखना है ठुडी ज़मीन पर टिकी रहेंगी और आपको श्वास दोनों हाथों को कंधों के पास में रखते हुए और श्वास खींचते हुए धीरे धीरे पहले गर्दन को ऊपर उठाना है और हर आसन को करते समय आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है तो आप मनीमन उसका काउंट भी कर सकते हैं जिस तरह मैं अभी आपको एक बार करके दिखाऊंगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और पुनः आपको धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए पुनः धीरे धीरे वापस आना है दूसरा आसन का नाम है सलभासन शलवासन के लिए आपको इसी तरह पेट के लेटे रहना है दोनों हाथों को इस तरह आपको अपने जंघा के नीचे रखना है और जंघा के नीचे रखने के बाद में आपको अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है श्वास लेते हुए और आपको इस आसन को आपके क्षमता अनुसार रोक के रखना है आप फर्स्ट बारी में तीन से चार सेकंड रोके फिर धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ा दे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे ले आइए इसी में तीसरा आसन का नाम मैंने आपको बताया था सुप्त उद्राकर्षण सुप्त उद्राकर्षण के लिए आपको इसी तरह पीठ के बल पर लेट जाना है पीठ के बल पर लेटने के बाद में दोनों पैरों को सीधा करना है दोनों हाथों को आपको इस तरह बांध करके आपके सर के नीचे रखना है दोनों पैरों को फैला लेना है और दोनों पैरों को अपने घुटनों से बेंड कर लेना है इसमें श्वास की प्रक्रिया ये रही श्वास लेनी है श्वास को खाली करते हुए दोनों घुटनों को बाइवर में मोड़ना है और गर्दन को ऑपोजिट साइड ले जाना है इसमें भी आपको रोक के रखना है वन टू थ्री फोर फाइव धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः बीच में आइए पुनः श्वास खाली करते हुए ओर ले जाइए और गर्दन को अपने ऑपोजिट साइड ले जाइए वन टू थ्री फोर फाइव पुनः श्वास लेते हुए बीच में आए ये सुप्त उदराकर्षण का एक राउंड हुआ तो मैंने आपको अभी तक तीन आसन करके बताया है जिसमें पहला आसन का नाम था भुजंगासन दूसरे का नाम था शलवासन तीसरे का नाम था सुप्त उदराकर्षण तो इसमें आपको मैंने आपको एक एक ही बार करके बताया है बट इन आसनों का अभ्यास आपको कम से कम पाँच बार करना है कितने बार करना है पाँच बार करना है पाँच बार हर आसन को कम से कम दस सेकंड तक रोकना है और हर आसन के बीच में थकने के बाद में आपको विश्राम जरूर करना है कम से कम पाँच से दस सेकंड का और पूरे तीनों आसनों का अभ्यास आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करना है पाँच से दस मिनट का टाइम निकाल करके कमर दर्द को पूरी तरह से दूर करने के लिए और इसके बाद में आपको तीनों आसनों का अभ्यास पूर्ण होने के बाद में आपको कम से कम एक मिनट के लिए सवासन में लेटे रहना है पीठ के बल पर दोनों हाथ आकाश की ओर खुले पेड़ सीधे आँखें बंद एक मिनट के लिए कम से कम है ना तो मैंने आपको अभी तीनों आसनों का अभ्यास पूरी तरह से बता दिया है अब इसमें विशेष करके ध्यान देना है कि इस आसन का अभ्यास किन किन लोगों को नहीं करना है जिन्हें हर्निया, थायराइड और अल्सर है उन लोगों को इन आसनों का अभ्यास किसी योग शिक्षक के प्रशिक्षण में ही करना चाहिए